दोस्तों, अगर आप जनवरी में कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं और जगह कुछ अलग ही तलाश कर रहे हैं, यानी कि यह ट्रिप रिलीजियस भी हो और मस्ती भरी भी हो, तो ऐसे में आप टुंगनाथ मंदिर के लिए भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एशिया ऑन व्हील्स पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे देवों के देव महादेव के सबसे ऊंचे मंदिर तुंगनाथ मंदिर के बारे में। दोस्तों, भोलेनाथ का यह मंदिर दुनिया में सबसे ऊंचाई पर है। इस वीडियो में मैं आपको तुंगनाथ मंदिर की हिस्ट्री, यहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है और यहाँ तक आने में आपका कितना पैसा खर्च होगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरी देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जरा सोचिए किसी ऐसी जगह के बारे में जहां पर आप बर्फबारी का भी मजा ले सकें और देवों के देव महादेव से भी रूबरू हो सकें। तो हो गई ना शानदार ट्रिप एक ही टाइम पर। आज मैं आपको ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पहुंचकर आपको लगेगा जन्नत कहीं है तो बस यहीं। दोस्तों, तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग में एक पहाड़ है, इसी पहाड़ पर है तुंगनाथ मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर भोलेनाथ के पंच केदारों में से एक है। दोस्तों, मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है कि इसे पांडवों ने भगवान शिव को खुश करने के लिए बनवाया था। इसके पीछे एक कथा यह भी है कि कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार से भोलेनाथ पांडवों से गुस्सा थे, तभी उन्हें मनाने के लिए पांडवों ने इस मंदिर को बनाया था। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि माता पार्वती ने भी शिव जी को पाने के लिए यहीं पर तपस्या करी थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम लोग तुंगनाथ मंदिर कौन से महीने में जा सकते हैं, कौन सा बेस्ट सीजन होता है तुंगनाथ जी के दर्शन करने का। तो दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर के आसपास नवंबर के बाद से ही बर्फ का सुंदर नजारा देखने लगता है। जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक बखमली घास और पहाड़ और आसपास बर्फ देखकर यूं लगता है कि बर्फ की चादर बिछी हो। यह नजारा इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। साथ ही खिले हुए बुरांश के फूल, जिन्हें देखकर आपकी नजरें ही नहीं हटेंगी उनसे। दोस्तों, यूं तो आप मई से नवंबर तक कभी भी तुंगनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन जनवरी और फरवरी का टाइम यहाँ पर लोगों को काफी पसंद आता है। इस टाइम यहाँ खूब बर्फबारी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं कि हम तुंगनाथ तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली से तुंगनाथ जा रहे हैं तो आप बाय रोड, बाय एयर या बाय ट्रेन देहरादून या ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। यदि आप बाय एयर आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून का पड़ेगा। यहाँ से आपको पहले ऋषिकेश तक जाना होगा। तुंगनाथ दर्शन के लिए ऋषिकेश से गोपेश्वर होते हुए चोपता जाना होगा। इसके बाद दोस्तों, तुंगनाथ के लिए लोकल व्हीकल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता ऋषिकेश से ओखीमठ होकर जाता है। ओखीमठ से भी चोपटा जाना होगा। उसके बाद वहां से आपको तुंगनाथ मंदिर के लिए भी लोकल टैक्सीज मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऋषिकेश से तुंगनाथ मंदिर तक के लिए आपका क्या बजट रहने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप अपनी पर्सनल बाइक से ऋषिकेश से तुंगनाथ जा रहे हैं तो आपका लगभग 1500 से 2000 तक का पेट्रोल लग जाएगा। इसके साथ यदि आप अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो कार से आपका पेट्रोल पर खर्च लगभग 2500 से 3000 के बीच आ जाएगा। इसके साथ हम बात करते हैं वहां के होटल्स के बारे में। तो आपको चोपता और ओखीमठ में करीब 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक होटल मिल जाएगा। मेन खर्चा मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। खाने पीने का खर्चा पूरी तरह आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर लास्ट में बात करें ओवरऑल बजट के बारे में, तो यदि आप दो मेंबर तुंगनाथ जा रहे हैं तो आपका 3 से 4 दिन की ट्रिप लगभग 5000 से 6000 के बीच बैठेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।